हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आप लोगों एक न्यू ड्राइंग लेकर आया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो बेस है वो बना के रखा है, आप देख सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को मेरे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने जो ड्राइंग दिया था वो काफ़ी यूनिक था, अच्छा था। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने ड्राइंग बनाकर मुझे सेंड किया व्हाट्सएप पे, मुझे अच्छा लगा देखकर। तो ये भी एक न्यू यूनिक ड्राइंग में लेकर आया हूँ जो आपके लिए, तो आप लोग इसको देखें कि कैसे। तो ये जो बेस है मैंने बना के रखा है। अब मैं कर क्या रहा हूँ कि एक ऐसा ब्लैक कलर का जो पेंसिल कलर है वो लिया है मैंने, और इससे क्या है, इसके पहले मैं बॉर्डर ड्रॉ कर दूंगा। बॉर्डर ड्रॉ करना तो आप लोगों को भी पता ही होगा कि अपने का जो बॉर्डर होता है उसको क्या है, हमको डार्क करना होता है कुछ ऐसे। बॉर्डर डार्क हम लोग को करना है क्योंकि हम लोग इसके अंदर क्या है कि वाटर कलर करना है। तो उससे क्या है कि हमको ये अलग एक इसको बनाना है, तो इसलिए क्या है कि वाटर कलर के कारण हम लोग इन लोग को एक अच्छा यानी लुक आ जाएगा। तो इसको हम लोग पहले इस तरह से पूरा इसका बॉर्डर ड्रॉ कर लेंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आप लोग भी कर कीजिएगा। अब देख सकते हैं कि मैं कैसे बॉर्डर जो है उसको आउटलाइन देकर इसको मैं एकदम परफेक्ट बना दे रहा हूँ मैं। इस तरह से तो मैं आपको ये एकदम कंप्लीट करने के बाद मैं मिलता हूँ। तो आप लोग देखिए कि जो बॉर्डर ड्रॉ करने के बाद ये कितना ब्राइट हो गया है, ये कितना खिल गया है। अब हम इस पे वन बाय वन वॉटर कलर करना शुरू करेंगे, ओके। तो सबसे पहले जो है वो मैं क्या करूंगा कि इसका जो बॉर्डर मैंने ड्रॉ किया है उसके अंदर मैं थोड़ा सा हल्का सा सोच रहा हूं कि वॉटर कलर से थोड़ा मैं इसको थोड़ा यूनिक बनाऊं। तो लेकिन सबसे पहला काम क्या होगा कि जब हम पेंसिल कलर और क्रियॉन कलर यूज कर रहे हैं तो इसलिए पहले हम पेंसिल कलर से इसके थोड़े हम लोग बॉर्डर अंदर यानी ग्रीन कलर का हम लोग वो दे देंगे। तो चलिए हम पहले ग्रीन कलर का वो दे देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास देखिए ग्रीन कलर है, पेंसिल कलर। तो पहले मैं ये ग्रीन कलर से इसको क्या है थोड़ा अंदर कर दे रहा हूँ इस तरह से। आप लोगों को भी सेम इसी यही प्रोसेस में आपको करना है, और कहाँ पर लाइट कहाँ पर डार्क करना है ये मैं आपको भी दिखाता हूँ, क्योंकि एक डार्क कलर ग्रीन होता है और एक लाइट कलर होता है, तो हमको दोनों को यूज़ करना है। लेकिन किस तरह से करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि क्या है ये अंदर ही अंदर मेल्ट हो जाए अंदर, यानी बता ना। मैं तो इसमें थोड़ा बहुत मैं वाटर कलर का भी यूज़ करूँगा, वो भी मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ कि मैं कैसे करने वाला हूँ, ओके। ये देखिए कुछ ऐसे हमको वो करना है, तो क्या है ये थोड़ा अच्छा लगे दिखने में। आप लोग भी देख सकते हैं कि मैंने कैसे वो किया है। अब हमको क्या करना है कि इसको हाफ करना है, यानी ओनली फॉर यहीं तक, ठीक है, यहीं तक करना है। और साथ में हम नीचे का भी जो है उसको भी डार्क कर देंगे ऐसे। मैं आपको पूरा कलर करने के बाद फिर मैं दिखाता हूँ मैं कि किस तरह से मैंने इसको किया हुआ है। देखो मैंने किस तरह से इसको हाफ हाफ मैंने डार्क ग्रीन कर दिया है। अब मैं लाइट ग्रीन कलर लूंगा और फिर करूंगा इसके अंदर, तो वो भी आप देखना कि कैसे करूंगा मैं उसको। तो जो बाकी का जो पोर्शन है, ये सब जो पोर्शन दिख रहा है आपको, इसमें क्या है हमको है ना लाइट ग्रीन कलर करना है। तो कुछ नहीं, हमको के साथ में ही हम लोग इस तरह से एक साथ में इसको वो कर देंगे, तो ये देखो इस तरह से कुछ खिल जाएगा। तो ये भी मैं आपको करके दिखा रहा हूं मैं कि कैसे है। इस तरह से हम जब ड्राइंग करते हैं तो काफी अलग लगने लगता है इन दो ग्रीन को मिक्स करके। और हमेशा हम ऐसा अगर कुछ बनाते हैं तो हमको क्या है दो ग्रीन को मिक्स करके काम करना चाहिए, तो वो काफ़ी अलग लगता है।
इसको मैं करके दिखाता हूँ कि ये कितना अलग हो जाएगा। ये देखो इतना ब्राइट हो गया है, इतना यूनिक लग रहा है। अब हम लोगों को इसके अंदर करना क्या है? अगर आप लोग सोचोगे कि सर ने इतना कुछ किया लेकिन इसमें करेंगे क्या, तो हम इसमें थोड़ा सा एक इफेक्ट देंगे। कैसे, मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले तो बताओ, मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि आप लोग नए हो तो आप लोगों को थोड़ा यानी वो रहेगा कि प्रॉब्लम रहेगा कि क्या यानी बताना बताने वाले हैं सर इसके अंदर, यानी थोड़ा यानी इसका। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ जीरो नंबर का ऐसा एक ब्रश लेंगे, लेके उसमें हम ग्रीन कलर का थोड़ा इफेक्ट डालेंगे हम। तो जो ग्रीन कलर है उसको क्या करेंगे हम इफेक्ट देंगे, कैसे वो मैं आपको बताता हूं। आप लोग देख सकते हैं कि मैं कैसे एक इफेक्ट दे रहा हूं, तो इस तरह से आप लोगों को भी एक हल्का इफेक्ट देना है। मैं हालांकि पूरा कलर नहीं कर रहा हूं, मैं ओनली फॉर इफेक्ट दे रहा हूं इसमें थोड़ा सा। कुछ इस तरह से इफेक्ट देना है हल्का हल्का, हर जगह पे थोड़ा थोड़ा इफेक्ट दे देंगे आप लोग तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐसे आप लोगों को इफेक्ट देना है। आप अगर इस तरह से इफेक्ट देते हैं तो आपका एक जो पेंटिंग है वो एक अलग तरीके का लगने लगेगा। ऐसे आप अलग अलग इफेक्ट देते हैं तो देखना कितना सुंदर लगने लगेगा। देखो आप चाहे तो किनारी भी कर सकते हैं। और ये एक चीज है, मैं डार्क ग्रीन लेके कर रहा हूं, ओके, तो आप लोग भी डार्क ग्रीन कलर लेके ही करना तो अच्छा लगेगा। इस तरह का देखिए, है ना, जो पेंटिंग क्या है वो उभर के आ रहा है, आप देख रहे हैं ना। इस तरह से क्या है, आप लोगों को भी करना है तो काफी अच्छा लगने लगेगा। ये देखिए इस तरह की जो प्रोसेस है वो काफी अच्छी लगती है, यूनिक लगती है। तो आप लोग भी इस तरह से ही करना, ओके। तो इस तरह से आप इफेक्ट देने के बाद कुछ आप लोगों का एक अलग टाइप का लगेगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को ये ड्राइंग दिखाया कि किस तरह से मैंने इसका पहले बेस रेडी किया था, फिर मैंने पेंसिल कलर लेके इसको डार्क किया, फिर पेंसिल कलर लेके इसका मतलब जो अंदर का जो फील है वो किया, आउटलाइन किया, फिर फिल किया, फिर मैंने वाटर कलर से इसको एक वो दिया। फिर मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, मैं जब तब बना ये रहेगा कि इसमें मैं आपको जो है ये कुछ प्लेन प्लेन लग रहा है तो इसको यूनिक बनाने की कुछ टेक्निक बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो फिर मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।